Hello students, I am Lakshmi Yadav, your science teacher. Today we will discuss about one more topic of chapter 1st. The name of topic, vitamins and minerals. Vitamins और minerals के बारे में आज हम पढ़ेंगे. In general, vitamins help the body work well and protect it from diseases. समान तौर पर vitamins शरीर को अच्छी तरह से काम करने में मदद करते हैं और इसे डिसीज़ यानी बीमारियों से बचाते हैं. डिसीज़ मतलब बीमारियां. डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिंस आर गुड फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड आर प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ फूड. विभिन्न प्रकार के विटामिंस शरीर के विभिन्न भाग के लिए अच्छे होते हैं और विभिन्न प्रकार के भोजन में मौजूद होते हैं. सॉर फ्रूट्स, सॉर फ्रूट्स यानी खट्टे फल such as orange, lemon and amla have a type of vitamins called vitamin C. जैसे कि संतरे, नींबू और आमला में विटामिन सी का एक प्रकार होता है, यानी कि जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है. इट इज़ गुड फॉर द गम्स एंड स्किन. यह मसूड़ों और त्वचा के लिए अच्छे होते हैं. गम्स मतलब मसूड़े, स्किन यानी त्वचा, दोनों के लिए अच्छे होते हैं. इट आल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीजेज एंड हेल्प इन द हीलिंग ऑफ वाउंड. ये शरीर को बीमारियों से भी बचाता है और घावों को ठीक करने में मदद करता है. नॉर्मली वी ईट ऑल द विटामिंस वी नीड फ्रॉम वेजिटेबल्स, फ्रूट, सीरियल, पल्सेस, मिल्क, एग एंड फिश. आमतौर पर हम सभी विटामिंस प्राप्त करते हैं हमें सब्जियों से, फलों से, अनाजों से, दालें, दूध, अंडे और मछली की आवश्यकता होती है. When there is a shortage of vitamins in the body, जब हमारे शरीर में विटामिंस की कमी होती है, डॉक्टर ask us to have vitamins tablet, capsule और syrups. तो डॉक्टर हमें विटामिंस टैबलेट, कैप्सूल या सिरप लेने के लिए कहते हैं. अब अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट हम लोगों का है मिनरल्स यानी खनिज. लाइक विटामिंस मिनरल्स टू कीप द बॉडी हेल्दी एंड वर्किंग वेल. विटामिंस की तरह मिनरल्स भी यानी खनिज भी शरीर के स्वस्थ रखते हैं और अच्छी तरह से काम करने में मदद करते हैं. इफ़ यू लुक एट द पैक्ड ऑफ साल्ट यू मे सी द वर्ल्ड आयोडीन और आयोडाइज्ड ऑन इट. यदि आप नमक के एक पैकेट को देखते हैं तो आप उस पर आयोडीन या आयोडाइज्ड शब्द देख सकते हैं. आयोडीन इज़ अ मिनरल दैट द बॉडी नीड टू वर्क वेल. आयोडीन एक खनिज है जिसे शरीर को अच्छी तरह से काम करने में हेल्प मिलती है. सी फूड्स एंड स्पाइंज हैव आयोडाइन बट वी मे नॉट गेट इनफ ऑफ इट इन अवर मील. समुद्री भोजन और पालक में आयोडीन होता है लेकिन हम इसे अपने भोजन में पर्याप्त नहीं पा सकते हैं. सो इसलिए इट इज़ बेस्ट टू हैव आयोडाइज साल्ट और साल्ट दैट हैज़ आयोडीन इन इट. इसलिए आयोडीन युक्त नमक या उस आयोडीन वाले नमक का सेवन करना सबसे अच्छा है. कैल्शियम एंड आयरन आर टू अदर मिनरल्स दैट वी नीड. कैल्शियम और आयरन दो अन्य खनिज हैं जिनकी हमें आवश्यकता होती है. टीथ एंड बोन्स आर मेनली मेड ऑफ कैल्शियम सो वी नीड प्लेंटी ऑफ इट. दांत और हड्डियां मुख्य रूप से कैल्शियम से बनी होते हैं इसलिए हमें इसकी बहुत आवश्यकता होती है. मिल्क एंड ऑल थिंग्स मेड फ्रॉम मिल्क हैव अ लॉट ऑफ कैल्शियम सो डू एग्स, आलमंड्स एंड सोया बीन्स. दूध और दूध से बनी सभी चीज़ों में अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है इसलिए अंडे, बादाम और सोयाबीन का सेवन करें. लीफी वेजिटेबल्स, सीरियल्स, एग्स एंड मीट हैव आयरन विच हेल्प द बॉडी मेक ब्लड. पत्तेदार सब्जियां, अनाजे, अंडे और मांस में आयरन होता है जो शरीर को रक्त बनाने में मदद करता है. एज इन द केस ऑफ विटामिंस व्हेन वी डू नॉट गेट इनफ मिनरल्स फ्रॉम फूड डॉक्टर्स गिव अस टैबलेट, कैप्सूल और सिरप्स. जैसे कि विटामिंस के मामले में होता है, जब हम विटामिंस की कमी होती है तब हमें टैबलेट, कैप्सूल, सिरप्स देते हैं, वैसे ही मिनरल्स की होता है जब हमें भोजन के पर्याप्त खनिज नहीं मिलते हैं तो डॉक्टर्स हमें टैबलेट, कैप्सूल या सिरप देते हैं. और इस दोनों टॉपिक को आप दोबारा से रीड करेंगे विटामिंस और मिनरल्स को.